ये कक्षा 7 में विषय विज्ञान का गृह कार्य पाठ है प्राणी मूल पोषण। पहला प्रश्न है, मनुष्य के विभिन्न प्रकार के दांतों की संख्या लिखिए। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतंक, 4 + 4 = 8। दूसरा रदनक, 2 + 2 = 4। फिर है अग्रचपर्णक, 4 + 4 = 8। फिर है चवपर्णक, 6 + 6 = 12। कुल टोटल होते हैं 32। पितरस का क्या कार्य होता है? पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 3 है, शुद्धांत्र में पाचन संबंधी कौन सी क्रिया होती है? शुद्धांत्र में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इस हेतु शुद्धांत्र की अतिरिक्त भित्ति पर डीग्रोम या रसांकुर पाए जाते हैं। डीग्रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य द्वारा कौन से कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं किया जाता है? उत्तर है, मनुष्य द्वारा सेल्युलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं किया जाता है जो घास में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र इस प्रकार का होगा। इसी प्रकार समाप्त होता है आज का हमारा गृह कार्य। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।